नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ। खबर राजस्थान से है। जब पूरा देश राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं के सम्मान की बातें कर रहा था, तभी राजस्थान के अलवर के बाद अब भीलवाड़ा में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ कुछ दिनों पूर्व एक मूकबधिर युवती के साथ हुए गैंगरेप से वो गर्भवती हो गई और सोमवार को अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उपचार कर उसके मनचाहे गर्भ को समाप्त कर दिया। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौंड के निर्देशन में पीड़ित मूकबधिर युवती का महिला चिकित्सकों की टीम द्वारा उपचार जारी है। मेडिकल बोर्ड द्वारा युवती का मेडिकल परीक्षण करवाया गया है, तो वहीं अब इसको लेकर जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर जयपुर की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अनुराधा जी अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दुष्कर्म के मामले को लेकर विरोध तो उठ रही है बीजेपी महिला मोर्चा। आज मैं भी बहुत विचलित हूँ। अब मैं जब खुद की जो बच्चियाँ होती है तो माई समझ सकती है कि एक बच्ची के साथ क्या हुआ है। कल फिर एक दुष्कर्म हुआ भीलवाड़ा में और अशोक गहलोत जी ट्वीट कर रहे हैं कि बालिका दिवस है, बालिका का हम सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसा क्या बालिका दिवस कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है? शर्म नहीं आती गहलोत जी को? उनके घर में क्या बहन बेटियां नहीं है? बड़ा दुख है इस बात का कि उनके घर में क्या बहन बेटियां नहीं है? उनके माँ भी है, उनकी बहन भी है, उनकी बेटी भी है, तो क्या राजस्थान सरकार में ऐसे ही दुष्कर्म होते रहेंगे? आज वो बच्ची अस्पताल में अपनी जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रही है, उसी वक्त एक 12 भी अभी दुष्कर्म हुआ है, उसकी भी रात को ही रिपोर्ट आई है। तो गहलोत सरकार के राज में राजस्थान नंबर 1 हो गया है और यह दुष्कर्म से दुष्कर्म होते जा रहे हैं, लेकिन कई जू तक नहीं रंगती गहलोत जी के राज में। उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है बालिका के साथ क्या हो रहा है, महिला के साथ क्या हो रहा है। आपको एक बात और बताएं, रास्ते चलते लड़के छेड़ते रहते हैं, लेकिन इस जयपुर में भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। कितनी ही बच्चियाँ कहती है कि आंटी देखो ये लड़का कहता है गाड़ी में बिठा ले, तो वहाँ पे भी कोई सुरक्षा नहीं है, कोई पुलिस वाले नहीं है। तो गहलोत सरकार, या तो आप जाग जाए, वरना नारी कहीं कमजोर नहीं है, वो गद्दी छोड़नी पड़ेगी गहलोत सरकार को। और हम महिला मोर्चा बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये गहलोत सरकार अपना बचाव कर रही है, एक बच्ची के साथ पीड़ा क्या होती है उसकी माँ से पूछो, उसकी माँ से पूछो दुष्कर्म क्या होता है, नहीं तो उस गहलोत जी से पूछो कि दुष्कर्म क्या होता है। वो कैसे कह सकते हैं इस बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है? शर्म आना चाहिए उनको कि वो तो माँ है, संगीता जी तो एक महिला है, उनको तो समझना चाहिए कि दुष्कर्म क्या होता है। पीड़ा होती इस बात की कि महिलाओं के महिला को नहीं समझ सकती, क्या दुष्कर्म उनके साथ होना चाहिए? तब उनको समझ में आएगा कि दुष्कर्म क्या होता है। तो इनको शर्म आना चाहिए गहलोत सरकार को। खबर राजस्थान के सीकर से है। 11वीं की स्टूडेंट और बेहतरीन एथलीट पूजा सीमार की दिव्यांगता का लोग मजाक उड़ाते थे, ताना मारते, तू तो दिव्यांग है कैसे दौड़ेगी, लेकिन पूजा के मन की मजबूती के आगे ये ताने भी छोटे पड़ गए। पूजा ने चुनौतियों का सामना करते हुए स्टेट और नेशनल लेवल पर खेलते हुए कई मेडल जीते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर केंद्र की ओर से वर्चुअल प्रोग्राम हुआ था। देश भर की प्रतिभावना लड़कियों के साथ राजस्थान की ओर से पूजा ने भी भाग लिया था। सीकर के खाटू श्याम जी की रहने वाली पूजा ने बताया कि ये दिव्यांग है। 2018 में सीकर के हरदयाल स्कूल में पढ़ती थी, उस दौरान दिव्यांग बच्चों की प्रतियोगिता हुई थी। प्रतियोगिता में दिव्यांग बच्चों को खेलते हुए देखा तो हिम्मत आई। खबर महाराष्ट्र के वर्धा से है। महाराष्ट्र के वर्धा में सोमवार देर रात भीषण दुर्घटना में मेडिकल के 7 छात्रों की मौत हो गई। मृतकों में भाजपा विधायक विजय रहांगदाले के बेटे आविष्कार रहांगदाले भी शामिल हैं। दुर्घटना सेलसुरा के पास एक पुल पर हुई है। 7 छात्र एक कार में सवार थे और खाना खाकर ढाबे से लौट रहे थे। ब्रिज पर कार के आते ही वो अनियंत्रित हो गई और ब्रिज के एक हिस्से को तोड़ते हुए 40 फीट गहरी नदी में गिर पड़ी। एसपी वर्धा प्रशांत होलकर ने बताया कि दुर्घटना के बारे में स्थानीय नागरिकों ने देर रात बताया। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया। सभी मृतकों की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच
बताई जा रही है। ये सभी वर्धा जिले के सांगवी मेघे मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार।